हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, मंदसौर और पीपलिया मंडी की लहसुन की आवक देख लेते हैं कैसी रही है। नीमच की आवक का हाल फिलहाल हमने आपको बताई दी है। तो दोस्तों, बात करते हैं मंदसौर मंडी में लहसुन की आवक क्या बनी है। तो दोस्तों, 1000 बोरी हाल फिलहाल तक नया लहसुन आ चुका है मंदसौर मंडी में। 1000 बोरी नया लहसुन और पुराने लहसुन की बात करें तो लगभग 5000 बोरी। तो दोस्तों, कुल आवक मंदसौर मंडी में हाल फिलहाल तक 6000 बोरी की है, जिसमें 1000 बोरी तो नया लहसुन है और 5000 बोरी पुराना लहसुन है। आवक बढ़ सकती है। और बात करते हैं दोस्तों पीपलिया मंडी की आवक क्या है। तो पीपलिया मंडी में लगभग 3000 बोरी के आसपास आवक देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, पीपलिया मंडी में तो लगभग नीमच जैसी आवकें हैं, पुराने मालों की आवकें अधिक है। और 3000 बोरी पीपलिया मंडी में लहसुन है और मंदसौर मंडी में 6000 बोरी, नीमच मंडी में 3500 बोरी के आसपास पक्की आवक है हाल फिलहाल। और कुछ आवक और धीरे धीरे बन रही है जो 4000 से 5000 की हो जाएगी दिन तक। दोस्तों, यह है तीनों मंडियों की आवक की अपडेट। और इंदौर मंडी की आवक बता दूं तो लगभग 2500 बोरी का अपडेट हाल फिलहाल तक मिल रहा है। आवक और बढ़ सकती है, मगर हाल फिलहाल इंदौर मंडी में 2500 बोरी की आवक है। तो दोस्तों, यह है प्रमुख मंडियों की मध्य प्रदेश की लहसुन की आवके की अपडेट। और बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन में क्यों मंदी देखने को मिल रही है लगातार। तो कोरोना वायरस की वजह से सोयाबीन में मंदा है। चीन में जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, उसकी वजह से चीन में सोयाबीन का उपयोग नहीं हो रहा है, सोयाबीन की DOC का उपयोग नहीं हो रहा है, सोयाबीन की खली का उपयोग पशु आहार में जाता है। और हाल फिलहाल चीन में लगातार वायरस का शिकार की खबरें ज़्यादा आ रही है, वायरस का कहर ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन का चीन के ऊपर आयात नहीं हो रहा है, चीन आयात नहीं कर रहा है और अन्य देशों से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सोयाबीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारी मंदी देखने को मिल रही है। और शायद आज भी बाजार मंदा रह सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदी वाड़ा काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन का उपयोग चीन द्वारा बिल्कुल ना किया जा रहा है अभी, जिसका असर पूरे विश्व बाजार में देखने को मिल रहा है, भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था लहसुन का अपडेट और सोयाबीन की मंदी के बारे में अपडेट। लगातार बने रहें कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल के साथ में, जिसके साथ में आपको रोजाना नीमच मंडी के भाव की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।